और कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। एक और जहां नाइट डोमिनेशन अभियान के तहत पुलिसकर्मी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और लोगों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस खुद कप्तान अजीत सिंह शेखावत भी सड़कों पर उतरकर अपने ही मुलाजिमों को नसीहत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसपी अजीत सिंह विभिन्न चौक चौराहों पर पहुंचे। सबसे पहले हांसी गेट पर महिला पुलिस कर्मचारियों की कार्यशैली से एसपी संतुष्ट नजर आए, तो वहीं कुछ ही दूरी पर घंटाघर चौक स्थित नाके पर कुर्सियां लगाए बैठे पुलिसकर्मियों को देखकर एसपी सख्त हो गए और कर्मचारियों को जमकर झाड़ लगाई। इसके बाद अन्य नाकों पर भी वे गए और अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों से अपनी ड्यूटी बखूबी निभाने के लिए निर्देश भी दिए। और हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा ने शहर की सड़कों का जायजा लेने के निकले और एसपी अजीत सिंह शेखावत से खास बातचीत की। देखिए, पर जहां नजर दौड़ाई जाए वहां पुलिस ही पुलिस दिखाई दे रही है और भिवानी के हांसी गेट चौक पर तो महिला पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों तक को तैनात किया गया है। वजह कोई और नहीं बल्कि नाइट डोमिनेशन, और साथ ही साथ क्योंकि नाइट कर्फ्यू की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान उसको इम्पोज किया गया था उसकी अनुपालना सुनिश्चित करने के मकसद से आज खुद पुलिस कप्तान अजीत सिंह शेखावत भिवानी की सड़कों पर देखे गए थे, लोगों को समझाते भी देखे गए थे, मुलाजिमों से भी वार्तालाप करते देखे गए थे कि किस तरह से ड्यूटी परफॉर्म की जानी चाहिए, कोई कोताही ना बरती जानी चाहिए, उन्हीं से जानेंगे। सर, आज आपने दौरा किया है, नाइट डोमिनेशन की बात करें, पूरे प्रदेश भर में आज नाइट डोमिनेशन चला है, भिवानी पुलिस कप्तान सड़कों पर हैं, क्या मायने निकाले जाएं सर, मकसद क्या है? पुलिस कर्मचारियों को भी बताना कि अधिकारी जो है वो शांत नहीं, अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद है, कर्मचारियों को भी मुस्तैद होना पड़ेगा। और लॉकडाउन की बात करें वो कितना किस तरह से फलीभूत हो रहा है? हाँ, जैसे नाइट डोमिनेशन का मेन मकसद ये रहता है कि रात्रि के समय पे पुलिस की प्रेजेंस सबसे ज़्यादा दिखाई दे, साथ में सारे अधिकारीगण SHO सारी पेट्रोलिंग पार्टीज़ भी सड़कों पे रहे, और एक दिन ऐसा होता है जिस दिन पूर्ण रूप से अपराध पे रोकथाम लगाई जाती है। इस दिन जितने भी दुष्चरित्र के लोग हैं, जो अपराधीगण हैं और जो ऐसे स्थान है जहाँ पर अपराधी बार बार विजिट करते हैं, उन लोगों पर रेड की जाती है। इसी संदर्भ में नाइट डोमिनेशन हर महीने की एक रात को लगाया जाता है और इसी संदर्भ में आज भिवानी में लगाया गया है। यहाँ मैंने लगभग 31 नाके लगाए हैं और मैक्सिमम पुलिस प्रेजेंस है वो आज सड़कों पे है। नाइट जो कर्फ्यू लगा हुआ है उसकी भी पालना करवाई जा रही है। नाइट कर्फ्यू में जैसा देखना है कि काफ़ी कम आवागमन है वाहनों का, केवल जो एसेंशियल सर्विसेज के वाहन है वही जाना अलाउ किए गए हैं। फिलहाल हमने देखा था सर, जब कर्फ्यू इम्पोज किया गया था या उससे पहले दिन में जब लॉकडाउन की स्थिति थी, दुकानें बंद करवाने की चाहे बात हो, लोगों को समझाने की बात हो, चालान काटने की बात हो, मास्क इत्यादि को लेकर भी ड्राइव चलाया गया था, तो ऐसे में उस ड्राइव के दौरान किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई थी? हाँ बिल्कुल, जैसे जिस तरह से जैसे आपदा की जिस तरह का फेज चल रहा होता है उसी तरह से सरकार की तरफ से निर्देश होते हैं। पहले जैसे ये था कि मैक्सिमम मास्क लगाने की प्रक्रिया स्टार्ट की जाए, उसके बाद में पूर्ण तरह लॉकडाउन लगाया गया और अब जैसे जैसे केसेस कम आए हैं अब केवल रात्रि लॉकडाउन लगाया गया है। हमने लगभग 5,000 के आसपास मास्क के चालान किए थे पिछले महीने और साथ में मोटर व्हीकल के एक्ट के लगभग 2,000 चालान किए थे। इसी तरह 26 के आसपास हमने FIRs दर्ज की थी।